Welcome students to the English class, grammar class especially. I am Rashmi, your English teacher. So today we will do the grammar. Before this I was doing literature with you. तो यहाँ पर बच्चों पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि ग्रामर की इम्पोर्टेंस क्या है. टेंस की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है. टेंस जो है दैट इज द बैकबोन टू इंग्लिश. उसी से ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसी से ही एक्टिव पैसिव, क्वेश्चन आंसर में भी टेंस बहुत अपना रोल अदा करती है. तो चलिए मैं आपका ज्यादा समय इसमें नहीं लूंगी क्योंकि हमारे पास बहुत काम है. सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि सेंटेंस क्या होता है. अब आप यहां सोचेंगे कहेंगे भी मैडम सेंटेंस की इतनी क्या वैल्यू है ग्रामर में. नहीं, सेंटेंस से ही व्हाट इज अ सेंटेंस ये ग्रामर का बिल्कुल बुनियादी शुरुआत है. यहीं से ही हम शुरू करेंगे कि व्हाट इज अ सेंटेंस. सेंटेंस आप शुरुआत से यही पढ़ते आ रहे हैं. सेंटेंस देखिए मैंने यहां लिखा भी है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस. गोइंग ही में अलग अलग सेंटेंस लगा दिए, दिखने को है अर्थ लग रहा है कि वो जा रहा है लेकिन नहीं, सेंस पूरी नहीं है. तो जहां पर पूरी सेंस हो, सेंटेंस ठीक हो, जैसे मैंने ये डायग्राम भी बनाया है, देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीनिंग कंप्लीट थॉट, उसे हम सेंटेंस कहते हैं. अब सेंटेंस के अंदर भी देखिए नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है. अब होता क्या है, जैसे अब हमने यदि 9th, 10th में, 7th, 8th में हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर किए और यदि आपको यही नहीं पता कि नेगेटिव सेंटेंस कौन सा है, इंटरोगेटिव कौन सा है, तो आप ये बताइए आप टेंस कौन सा लगाएंगे. तो इसलिए हमारे को ये पता होना चाहिए कि ये जो सेंटेंस है हमारा ये नेगेटिव है, ये इंटरोगेटिव है. तो आइए पहले हम इसके टाइप्स करते हैं कि सेंटेंस के टाइप्स कितने हैं. सबसे पहले है एसर्टिव, सिंपल. इंटरोगेटिव, अभी मैंने आपको बताया ही था इंटरोगेटिव के बारे में. नेगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटिव. तो एसर्टिव का देखिए मैं आपको लिखूंगी, शी इज क्लेवर. जस्ट एक स्टेटमेंट इज देयर, सिंपल सेंटेंस एसर्टिव. एंड इंटरोगेटिव, इज शी क्लेवर. यहां हम साइन इसका जस्ट क्वेश्चन मार्क का साइन ये आ जाएगा. यदि हम क्वेश्चन में ये साइन नहीं लगाते हैं तो क्वेश्चन नहीं समझा जाता. फुल स्टॉप लाइक दिस, ओनली दैट एंड क्वेश्चन मार्क इज दिस. सो यू शुड नो व्हाट इज ए फुल स्टॉप एंड व्हाट इज ए क्वेश्चन मार्क. नाउ कम टू द नेक्स्ट, नेगेटिव. नेगेटिव मीन्स नो. शी इज नॉट क्लेवर. आई हैव गिवन जस्ट वन सिंगल सेंटेंस सो दैट इट मे बी क्लियर टू यू कि व्हाट इज अ क्वेश्चन मार्क एंड व्हाट इज नेगेटिव. एंड नाउ इंपेरेटिव हियर, जिसे हिंदी में हम आज्ञा सूचक भी कहते हैं. गो अवे फ्रॉम हियर, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर. जस्ट ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर. इट इज नॉट अ क्वेश्चन, इट इज जस्ट इंपेरेटिव. एंड द सेंटेंस, द नेक्स्ट ड्रॉप टर्म इज एक्सक्लामेटरी. एक्सक्लामेटरी सडन फीलिंग आती है, जहां सडन फीलिंग बहुत ज्यादा खुशी हो या बहुत ज्यादा एकदम से हमें दुख हो, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी. हुर्रा, वी हैव वन द मैच एंड द साइन इज सी हियर. हुर्रा लाइक दिस, वी हैव वन द मैच. So that is the terms here. I have just told you in brief. Further
In my next videos, I will elaborate more. And one thing you should know more, finite verb and non-finite verb. Finite verb that changes according to subject, that changes according to the tense also is called finite verb. But non-finite is that does not change with tense etc. Just as he loves dancing. Further, they love dancing. She loves dancing. Here you can see he loves change according to he subject, love according to here they is plural, and she tense has been changed, loved the past tense and she has come, but dancing has remained the same. So it is non-finite and it is finite. So you should make a list of it, of the sentences, how we will tackle it, how we should know. And one thing I will tell you, please make a separate copy for your grammar work, and every day when we will discuss, make the notes, write properly. And further, you can subscribe the channel also, because aage aage bhi further videos aayengi, aap properly update ho sake, samay par aapko apna karya mil sake. So aapke liye home assignment bhi dungi, aap wo bhi kijiyega, aur comments mein aap zarur apni problem se pooch sakte hain. तो बच्चों, टुडे इट इज जस्ट माय इंट्रोडक्टरी चैप्टर, इंट्रोडक्टरी लेसन आई हैव गिवन यू, और इसको आप ध्यान से करेंगे, बहुत इंटरेस्ट से करना है. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, बर्डन नहीं बनाना ग्रामर को आपको, इसको आपको इंटरेस्ट लेके करना है. सो नाउ टाइम इज वेरी लेस विद मी, एंड वी विल मीट द नेक्स्ट वीडियो. सो बाय स्टूडेंट्स.